नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो लेकर। आईपीएल का मैच नंबर 15 लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस आरसीबी, जो खेला जाएगा आरसीबी के अपनी होम ग्राउंड यानी के चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस ग्राउंड का जो डाटा निकल के आ रहा है वो आपको काफ़ी हैरान कर देने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर बात करें आरसीबी की, तो इस ग्राउंड पर आरसीबी ने 86 मैच खेले हैं, जिसमें से आरसीबी ने 40 मैच जीते हैं और 41 मैच हारे हैं। एक मैच यहां पर टाई भी रहा है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए इन्होंने 20 मैच जीते हैं और चेसिंग करते हुए भी 20 मैच जीते हैं, यानी कि 50-50 का मामला है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर 263 रन का है, जो आरसीबी ने ही बनाया था, और लोवेस्ट टोटल यहां पर 82 रन का। अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट की आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी पर रिकॉर्ड की, तो उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला था, जो लास्ट टाइम इन्होंने मैच जीता था। 213 रन का आरसीबी ने इनको टारगेट दिया था और एक विकेट से इन्होंने ये मैच जीता था। काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। फटाफट बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, इसके बाद हर प्लेयर का डाटा इस चिन्नास्वामी पर मैं आपको बताऊँगा। अगर बात करें आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में, तो फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार या महिपाल लोमरोर में से एक ही खेलेगा, जहां तक उम्मीद है महिपाल लोमरोर की, क्योंकि रजत पाटीदार की कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रही है। उसके बाद आपको नजर आएंगे दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, एमजे डागर, यश दयाल, लॉकी फर्गुसन आ सकते हैं, क्योंकि भाई अलजारी जोसेफ को उन्होंने काफ़ी मौके दे दिए। काफ़ी मौके क्या भाई, जितने ही मौके दिए गए हैं उसमें इनकी कोई भी परफॉर्मेंस खास ही नहीं रही है। उसके बाद आपको नज़र आएंगे मोहम्मद सिराज, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको विजय कुमार, विशाक नज़र आएंगे। फटाफट नज़र डाल लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट की प्लेइंग 11 में। केएल राहुल या काइल माइल्स में से आपको एक खेलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उम्मीद है कि भाई काइल माइल्स खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल आपने देखा होगा कि भाई पिछले मैच में वो कप्तानी करने भी नहीं आए थे। शायद हो सकता है कि वो फैमिली इशू की वजह से ये मैच भी ना खेले। उसके बाद आपको नजर आएंगे क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पार्टिकल, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव एक अच्छे बॉलर उभर के सामने आ रहे हैं, और मनी मरन सिद्धार्थ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको नजर आएंगे नवीन उलवक। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की, तो दोनों टीमों ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से आरसीबी ने 3 मैच जीते हैं और एक मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता है। लेकिन आपको याद दिला दूं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो ये एक मैच जीता था वो चिन्नास्वामी पर ही जीता था, वो आरसीबी के खिलाफ ही जीता था, जो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। उस मैच में जो आरसीबी की ओर से टॉप स्कोरर हुए थे विराट कोहली, 61 रनों की पारी खेली थी 44 गेंदों में। उसके बाद फाफ डू प्लेसिस, 79 रनों की पारी खेली थी 46 गेंदों में। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, जिन्होंने 59 रन की पारी खेली थी मात्र 29 गेंदों में। और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जो टॉप स्कोरर रहे थे वो थे मार्कस स्टोनिस, 65 रनों की इन्होंने पारी खेली थी मात्र 30 गेंदों में। और उसके बाद निकोलस पुरन ने 62 रनों की पारी मात्र 19 गेंदों में। और उसके बाद आयुष बदोनी, जिन्होंने 30 रनों की पारी खेली थी 24 गेंदों में। आपको बता दूं, इस मैच में भाई मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की थी, 3 विकेट निकाले थे आरसीबी की ओर से इस हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर।